नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भर्ती के संबंध में लेटर जारी, लेटर को सभी अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संपूर्ण जानकारी वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, दोस्तों जो लेटर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ उसको बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यह जो लेटर है दोस्तों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों सर जी लोगों के पास से भेजना है। यह देखिए दोस्तों, यह लेटर है, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह एक पता यह रहेगा और दूसरा जो रहेगा दोस्तों सेम आपका जो है मैटर वही है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 केंद्रीय अधिनियम व नियम के विरुद्ध चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, चिकित्सा शिक्षा विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, कारागार विभाग, श्रम विभाग, वित्त विभाग, लोक शिकायत निदेशालय आदि विभागों द्वारा की जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, कूट रचनाओं तथा उत्तर प्रदेश में समस्त विभागों में 24 घंटे चिकित्सा व्यवस्था के सापेक्ष लगभग 50,000 फार्मासिस्ट के नियमित खाली पदों पर जानबूझकर भर्ती न करने के संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को अनेकों बार तथा वर्तमान में फार्मासिस्ट सेवा संस्थान द्वारा पत्र संख्या फार्मासिस्ट सेवा संस्थान 25/1/2022 दिनांक 5/8/2022 पंजीकृत डाक, जिसकी रसीद संख्या दोस्तों आप देख सकते हैं यह है, के माध्यम से बिंदुवार विस्तृत रूप से जांच एवं विधिक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर आज दिनांक मुख्य सचिव महोदय द्वारा कोई जांच एवं विधिक कार्रवाई नहीं की गई। आपसे सादर अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 केंद्रीय अधिनियम व नियम के विरुद्ध की जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, कूट रचनाओं तथा उत्तर प्रदेश में वैधानिक रूप से पंजीकृत फार्मासिस्टों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के दृष्टिगत फार्मासिस्ट सेवा संस्थान द्वारा मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित पत्र संख्या फार्मासिस्ट सेवा संस्थान 25/1/2022 5/8/2022 का अवलोकन करते हुए बिंदुवार जांच एवं विधिक कार्रवाई अपने स्तर से करने की महती कृपा करें। दोस्तों, यह जो लेटर है, इस लेटर में आपको कुछ करना नहीं है, बस आप यहां पर दिनांक डाल दीजिएगा, यहां दिनांक डालिएगा, यहां प्रार्थी अपना नाम डालेंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लिखेंगे, नाम, पिताजी का नाम, पता, मोबाइल नंबर। दोस्तों, इतना आपको एक लिफाफे में भर कर जो है आपको इस पते पर, एक लेटर आपको इस पते पर भेजना है और दूसरा लेटर जो है आपको इस पर भेजना है। दूसरा लेटर दोस्तों आप लोगों को इस पर भेजना है, क्योंकि फार्मासिस्ट के 50,000 पद विभिन्न विभागों में दोस्तों खाली पड़े हैं। जितने अभ्यर्थी हैं, मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करूंगा दोस्तों, करना चाहता हूं कि जितने अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सभी लोग एक बार जो है इस मौके का जो है ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। चाहे जितने भी फार्मासिस्ट भाई बहने हों, उत्तर प्रदेश के 75 जिले से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यह दो जो है पता है, दोनों पते पर जो है दोस्तों दो लेटर पोस्ट करना है। पोस्ट करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जाता है, 30-30 रुपए का खर्च आता है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो जो बेरोजगार फार्मासिस्ट इधर उधर भटक रहे हैं उन लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह रही बहुत बड़ी अपडेट, लेटर सेम वही है, बस खाली आपको पता चेंज कर देना है। एक पता जो है प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा, एक पते पर जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी के पास जाएगा। तो दोस्तों, जो मैं आप लोग को बताया हूँ दोस्तों रियल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कभी भी जो है आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पते पर जो है भेज सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह मैटर जो है, आप किसी भी साइबर कैफ़े पर जाइए, वहाँ पर जो है यह टाइप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्तर से भी टाइप कर सकते हैं। सेम मैटर यही दोस्तों होना चाहिए और उसके बाद जो है आपको इस पते पर भेज देना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी जुड़ें और इस से जो फार्मासिस्ट सेवा संस्थान है इसके, इससे जो है इनकी मदद किया जाए दोस्तों। तो दोस्तों, यह रही बहुत बड़ी अपडेट। आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है
इस लेटर को जो है प्रेषित करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्पीड पोस्ट करिएगा दोस्तों, जिससे बेरोजगार फार्मासिस्ट और अन्य भर्तियों से संबंधित जो है निर्णय निकल सके। दोस्तों जो यह भर्ती के संबंध में लेटर जारी हुआ, रियल और ऑथेंटिक अपडेट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सभी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा और इस पते पर जो है स्पीड पोस्ट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। धन्यवाद।